आप स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखिए, सॉलिड नंबर्स और इसके अब ये ब्रेकआउट जैसा दिखा सकता है। लेकिन हमारे साथ बासु मलिक जी भी आ चुके हैं, अभिषेक बासु मलिक कोलकाता से। कोलकाता में बहुत ही शानदार आपकी दुर्गा पूजा होती है, दिवाली का उनसे माहौल लेते हैं। अभिषेक गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। क्या माहौल है वहां पे कोलकाता में बताइए, दिवाली की पूरी सजदा धजदा शुरू हो गया है अभी वहां पे, पूरे शहर भर में लाइट्स लगना शुरू हो गई है? एकदम एकदम, और कोलकाता में एक्चुअली दुर्गा, जैसे आपने बताया, दुर्गा पूजा के टाइम से चालू होता है और वो क्रिसमस के एंड में जाके खत्म होता है, तो वो पूरा शहर जो है पूरा सज धज के एकदम धमाकेदार रैली, उसके बाद सेंटा रैली। ये बताइए कि यूएस मार्केट में जो जिस हिसाब से ट्रेंड्स बन रहे हैं, कमेंट्री आ रही है, और बिंदु मुझे पता नहीं आप स्पेसिफिकली देखते हैं नहीं, लेकिन फार्मर स्टॉक्स के स्पेशली नंबर्स काफी इंप्रूव हो के आ रहे हैं। एकदम, और आपने जैसे कहा कि डॉक्टर रेड्डीज का कमेंट्री एक दो क्वार्टर पहले से आया था ये, और यूएस में काफी शॉर्टेज है ड्रग्स की, और ये शॉर्टेज लास्ट 4-5 महीने से चल रहा है और आगे भी चलेगा, वो पहला एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। सेकंड बहुत जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वो ये है कि यूएस का जो सरकारी पॉलिसीज है, मेडिकेयर मेडिकेड, उनमें उनका कॉस्ट कम करने का एक बहुत ज्यादा नीड है यूएस गवर्नमेंट को, तो उसके लिए जो एक इम्पेटस है ऑन जेनेरिक्स, सस्ते दवाइयों का जो ज्यादातर इंडिया से जाता है, वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है और वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है मेरे हिसाब से। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से जो यूएस एफडीए का स्ट्रिंजेंसी या जो प्रॉब्लम्स थे धीरे धीरे, और इंडियन कंपनीज भी अभी काफी समझ गए हैं कि कैसे क्या करना है ओवर द लास्ट 5-6 साल 10 साल, तो चीजें अभी इंप्रूव होने की उम्मीद है। ये बताइए, शुरुआत करते हैं काम की बात, आपने कुछ लेटेस्ट एडिशन डिलीशन चेंजेस किए अपने पोर्टफोलियो में, अगर नाम नहीं बता सकते तो कम से कम कुछ फ्लेवर दीजिए, क्या नए नाम अपने रिसर्च कर रहे हैं, आप ऐड करने का मूड बना रहे हैं? अभिषेक, रिसर्च तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, आई थिंक नया कुछ उतना खास आ नहीं रहा है, क्योंकि जो सेक्टर्स या स्टॉक्स पहले भी अच्छे कर रहे थे वही अच्छे कर रहे हैं, नया कुछ वैसे थीम वाइज उभर के नहीं आ रहा है। लास्ट में जो अभी देख रहा हूं वो रियल्टी एक थीम है, और रियल एस्टेट के आसपास जो स्टॉक्स हैं जो रियल एस्टेट को फीड करते हैं इंडिया में बाहर, वो एक थीम देख रहा हूं, बट अदरवाइज जो पहले मैं देख रहा था फार्मा, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, रेलवेज, वही सब देख रहा हूं। ओके, ठीक है। अभी आप कह रहे हैं कि नई थीम तो नहीं है, लेकिन आप उन्हीं पुरानी थीम्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ अलग अलग स्टॉक्स के बारे में एक बार जरा चर्चा कर लेते हैं। टाटा मोटर्स पर मूडीज का एक अपग्रेड आया, रेटिंग को उन्होंने BA3 किया, आउटलुक हालांकि रिमेन किया है, और साथ ही उन्होंने जैगुआर JLR की भी रेटिंग जो है उसे अब BA3 किया है। टाटा मोटर्स एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर इस पूरे साल के लिए रहा भी है, मेजर ऑफ द मूव्स इस साल के लिए। एक बार अभिषेक के साथ ये स्टॉक डिस्कस करते हैं। अभिषेक, टाटा मोटर्स पर आप अगर यहां से इन्वेस्ट करते तो आपके क्या टारगेट्स होंगे? जी, पहली बात तो ये, मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरी व्यू लूंगा टाटा मोटर्स पे अभी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि टाटा मोटर्स का मेन स्टे जो है वो JLR का प्रॉफिटेबिलिटी से आता है, और ग्लोबली हम जो देख रहे हैं वो एक स्लोडाउन चल रहा है पूरे दुनिया में, यूएस, यूरोप, चाइना जो कि इनका मार्केट्स है, तो मुझे ये लग, एंड अगर, और अगर आप थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करेंगे इंडिया में तो काफी पैसेंजर व्हीकल्स जो गाड़ियां हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काफी एक जमा हो चुका है, और सेल्स ग्रोथ उतना नहीं है काफी, ये दिवाली के सीजन में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिवाली टू दिसंबर थोड़ा बढ़ेगा, बट वो सर्टेन नहीं है, तो मैं पर्सनली मैं काफी कॉशियस रहूंगा टाटा मोटर्स या कोई भी और ऑटो सेक्टर स्टॉक्स में निवेश करने से पहले। राइट, ठीक है, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभिषेक बासु मलिक, मैं अपने ट्रेड की बात नहीं करूंगा, लेकिन कोई ऐसा हिस्सा बाजार का जो आपको लगता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है, बैड फेज के थ्रू जा रहा है, बुरे समय के साथ जा रहा है, ये नहीं मालूम है कि समय कब सुधरेगा,
लेकिन डीप वैल्यू इमर्ज होना शुरू हो गई है, उसके बारे में बताएं। मेरे ख्याल से इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कोई बात नहीं कर रहा है, स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा चले नहीं है काफी मतलब सालों से, और नंबर्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा देखना चाहिए जिनका थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन है उनके लिए। आप इंश्योरेंस स्टॉक्स पे थोड़ा बुलिश हैं, आप ये कह रहे हैं कि चर्निंग का बेनिफिट इन कंपनीज के पास आ सकता है अगर बाजार यहीं पे रहता है, और अगर चर्न भी करता है तब भी इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर आपको वैल्यू दिखती है। और एक और खास बात व्यूवर्स को जो बता दें ब्रेक पर जाएं उससे पहले कि ये दिवाली का त्यौहार है, धूमधाम से मनाइए और तैयार होकर आइए। हम भी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तैयार होकर वापस आते हैं और फिर 10 बजे बात होगी हमारे खास एक्सपर्ट से, कहीं मचाएगा।